देखो ध्यान दो बच्चों, एक और इजी क्वेश्चन है ये हमारे सामने। इन एपी TP equal to 1 by Q and TQ equal to 1 by P, prove that sum of P into Q terms is 1 by 2 PQ plus 1, है ना? Sum of P into Q terms. तो P into Q terms का हमें sum इतना show करना है, है ना? देखो ध्यान दो, जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो, मैं first term को A मान लेता हूँ, है ना? और कॉमन डिफरेंस को मैं डी मान लेता हूं। तो देखो क्या हुआ, टीपी बराबर 1 बाई क्यू, टीपी मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई क्यू। फिर देखो टी क्यू बराबर 1 बाई पी, तो क्या हुआ ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई पी, है ना? टीपी का मतलब पीएथ टर्म और TQ का मतलब QH टर्म, है ना? तो देखो PH टर्म हो गया ये और देखो QH टर्म ये हो गया। अब देखो इन दोनों से हमें A और D मिलेगा, जैसे ये इक्वेशन 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, क्या करें? देखो 1 में से 2 को माइनस कर दें, ठीक है? तो क्या होगा, देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जैसे ये है ना A प्लस D माइनस 1, है ना? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई पी, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो क्या हो गया, A से कैंसिल हो गया, D कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा P माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 और यहां पर देखो 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। देखो D कॉमन लिया तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 और देखो यहाँ पर PQ LCM आ गया तो ये बच गया P माइनस Q। अब देखो 1 से 1 ये कैंसिल हुआ, ये आ गया P माइनस Q बराबर P माइनस Q बाई PQ। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, देखो D की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई PQ, है ना? D आ गया। अब देखो जैसे ये D की वैल्यू रख करके A निकाल लो, जैसे मान लो हम लोग ये पहला इक्वेशन ले लें, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई क्यू। देखो ए प्लस पी माइनस 1 और डी क्या है, देखो 1 बाई पी क्यू बराबर 1 बाई क्यू। देखो ए हो गया 1 बाई क्यू और माइनस पी माइनस 1 बाई पी क्यू, देखो ए हो गया PQ LCM, तो P माइनस 1, तो देखो 1 बाई PQ आ गया, है ना? A भी वही आ गया और देखो D भी वही आ गया, D भी 1 बाई PQ है और देखो A भी 1 बाई PQ। देखो ध्यान दो, अब हमें क्या प्रूव करना है, P into Q terms का सम ये है। देखो ध्यान दो, N terms के सम का जो फार्मूला अपने पास है ना, देखो n टर्म्स के सम का फार्मूला क्या है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह रखना है pq, तो pq बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, a का मतलब 1 बाई pq प्लस n माइनस 1, तो pq माइनस 1 और d क्या है, देखो 1 बाई pq, है ना? अब देखो यहां से ये हो गया pq बाई 2 और PQ हो गया LCM, तो 2 प्लस PQ माइनस 1, देखो ये हो गया PQ बाई 2 और देखो ये बचेगा PQ प्लस 1 बाई PQ, देखो PQ PQ कैंसिल हो गया तो आ गया 1 बाई 2 और PQ प्लस 1, यही देखो हमें प्रूफ करना था, है ना? तो जैसे मान लो अगर हमें दो टर्म दिए जाए कभी भी, देखो यहाँ पर TP दिया था TQ, तो इनसे हम A और D निकाल सकते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखना। अगर हमें दो अलग अलग टर्म्स दे दिए जाए किसी AP के, तो उससे हम A और D निकाल सकते हैं दो इक्वेशन बना करके, वही देखो हमने यहाँ पर किया, ठीक है? लिखो जरा ध्यान से बच्चों,